नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बोल बोल। दोस्तों आज मैं आपको अपना पूरा एमसीसी रूम दिखाता हूं। ये देखिए हमारा एमसीसी रूम जहां पे मैं काम करता हूं। यहां पे बहुत सारा एमसीसी है। यहां पे ईएसपी का पैनल है, बहुत सारा वीएफडी का पैनल है, एचटी पैनल, एलटी पैनल और जैसा रहता है लाइटिंग का कुछ पैनल, बहुत सारे पैनल यहां पे है। और वो भी देखिए डिफरेंट मेक का भी, कोई पुराना मॉड्यूल है, कोई नया मॉड्यूल है, यानी बहुत सारा पैनल यहां पे है। और इसी तरीके का हमारा, मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे और तीन चार एमसीसी रूम इसी तरीके का है, बहुत बड़ा बड़ा एमसीसी रूम बहुत सारा पैनल से। तो आज का वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि इतना सारा पैनल है और हर एक पैनल में देखिए बहुत सारा मॉड्यूल्स है, ब्रेकर है, बहुत सारा छोटा बड़ा मॉड्यूल है, 2.2 किलोवाट से लेकर 132 किलोवाट तक का मोटर है, फॉरवर्ड रिवर्स मोटर है, स्टार डेल्टा मोटर है, यानी बहुत वेराइटी का मोटर का यहाँ पे पैनल्स है। यहाँ पे सारे मोटर को कंट्रोल किया जाता है। और ये जो एमसीसी रूम है, इसी तरह का तीन चार और एमसीसी रूम मैं देखता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जब भी एक प्रॉब्लम आता है, मान लीजिए एक ड्राइव में एक प्रॉब्लम आ गया, तो हम लोग कैसे तुरंत ही उसको सॉल्व करते हैं, और वो भी बिना ड्राइंग के भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत डिफरेंट टाइप का मॉड्यूल्स है, छोटा से लेकर बड़ा तक बहुत डिफरेंट टाइप का मॉड्यूल्स है। तो आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो करके दिखाऊंगा कि बिना ड्राइंग का भी हम लोग कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में, हमको ड्राइंग की जरूरत नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये है पंप 4009, ये मॉड्यूल देखिए यहाँ पे, ये इंडिकेशन है, ये ऑफ इंडिकेशन, ऑन इंडिकेशन और उसका साइड वाला ट्रिप इंडिकेशन। तो ऑफ इंडिकेशन जल रहा है, लेकिन ये वाला देखिए ब्लू इंडिकेशन जो है वो है रेडी टू स्टार्ट, यानी ये अगर मॉड्यूल रेडी रहेगा तो ये जलेगा। तो ये क्यों नहीं जल रहा है, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे आप चेक कर सकते हैं बिना ड्राइंग के। तो ये क्यों रेडी टू स्टार्ट नहीं जल रहा है, इसका दो रीजन हो सकता है। हो सकता है मॉड्यूल से ही ये कुछ प्रॉब्लम हो, इसीलिए रेडी टू स्टार्ट नहीं आ रहा है, नहीं तो हमारा जो लोकल में जो लोकल आइसोलेटर रहता है, हो सकता है वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लोकल आइसोलेटर ऑफ हो या उसका जो स्टॉपर है, स्टॉपर कोई दबा के रख दिया है, इसीलिए रेडी टू स्टार्ट नहीं आ रहा है, ये दो रीजन हो सकता है। तो हम कैसे चेक करेंगे, चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए ये जो आइसोलेटर है, आइसोलेटर ऑन कंडीशन में है, आइसोलेटर को अगर ऑफ कर देंगे तो रेडी टू स्टार्ट नहीं आएगा, लेकिन ये आइसोलेटर ऑन कंडीशन में है। तो चलिए देखते हैं आइसोलेटर ऑन होने के बाद क्या होता है। मॉड्यूल से जो कंट्रोल सप्लाई जाता है वो लोकल की तरफ जाता है, ये आइसोलेटर को ऑन करेंगे उसके बाद उसका जो कंट्रोल सप्लाई लोकल की तरफ जा रहा है कि नहीं वो चेक करना है। तो कैसे आप चेक करते हैं, टेस्टर लेते हैं, कंट्रोल सप्लाई को चेक करते हैं थ्रू ये टीबी। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या आपको पता चल रहा है कि कौन सा वाला ओयर में सप्लाई जाएगा लोकल को, ये आपको ड्राइंग देखना पड़ेगा, ये देखने के लिए आपको ड्राइंग की ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन मैंने जैसे बोला कि हमको ड्राइंग की ज़रूरत नहीं पड़ता है हम लोग, और इसको याद रखना भी मुश्किल है, हम लोग याद भी नहीं रखते, और हमने टीबी डिटेल्स बनाया हुआ है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में समझाया था टीबी डिटेल्स कैसे बनाते हैं, टीबी डिटेल्स बनाने से आपको क्या फ़ायदा मिलता है, कैसे आप बहुत जल्दी ट्रबल शूट कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ मैंने जो टीबी डिटेल्स बनाया है उसकी मदद से मैंने कैसे फाइंड आउट कर लिया कि कौन सा वाला टीबी में कौन सा वाला वायर लगा है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे है तो उसी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाए उसी वीडियो को देखे, आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा, आप टीबी डिटेल्स को बना पाएंगे, और टीबी डिटेल्स बनाने के बाद आप बहुत जल्दी ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने जो टीबी डिटेल्स बनाया है उसको मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में ये हमारा मोबाइल में सेव कर दिया है। आप देख रहे हैं हमारा मोबाइल का स्क्रीन, मैंने अभी इसको लैंडस्केप मोड में रख दिया है। तो दोस्तों जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो हमारा मोबाइल का स्क्रीन है, लैंडस्केप मोड में मैंने रखा है। तो मोबाइल में आप जो देखते हैं स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि फेसबुक का आप हो, गैलरी, नेटफ्लिक्स, यानी जितना सारा मोबाइल का आपको सब सारे दिखाई दे रहा है। तो टीबी डिटेल्स कहाँ पे है दोस्तों, देखिए टीबी डिटेल्स को मैंने रखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐप में मैंने रखा है। तो जैसा आप देख रहे हैं ये देखिए दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का ऐप, और ये आ गया हमारा फाइल, उसके अंदर देखिए एमसीसी टीबी डिटेल्स, इसको क्लिक कीजिए तो आ गया पूरा आपका टीबी डिटेल्स। और ये देखिए दोस्तों 22 पेजेस का हुआ है। मैंने जैसे बोला कि बहुत सारा ड्राइव से लगभग 600 to 700 इक्विपमेंट हम देखते हैं, तो सारे इक्विपमेंट का यहाँ पे आ गया टीबी डिटेल्स आ गया। और देखिए मैंने कैसे इसको रखा है, यानी जितना सारा टीवी में कनेक्शन हुआ है वायर, सारे वायर का डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा।
ये बहुत ही आसान है दोस्तों, आप लोग भी ड्राइंग को फॉलो करके ये बना सकते हैं। फिर भी ये 22 पेजेस का है और ये 22 पेजेस में से हम जो देख रहे हैं पॉम्प 4009 उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों ये टीपी डिटेल्स को आप ऐसे प्रिपेयर करना है जैसे आप क्लियरली उसको सर्चिंग में ला सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा है वैक्यूम पंप 27, 28, 29, ये यानी ये तीनों ड्राइव का ड्राइंग सेम है, इसलिए मैंने इसको एक ही कॉलम पे लिख दिया है। तो चलिए सर्च करते हैं पंप 4009। ये जो पेन वाला लिंक आपको दिखाई दे रहा है उसको आपको क्लिक करना है, तो ये वाला स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पे आप लिखिए 4009 लिख दीजिए, लाइन लिख के आप सर्च कीजिए। देखिए आ गया P4009, ये हाईलाइट हुआ है। देखिए दोस्तों जितना सारा 4009 है सारे हाईलाइट हो जाएंगे। यहाँ पे FN4009 हाईलाइट हुआ है और पंप 4009 ये भी हाईलाइट हुआ है। तो देखिए दोस्तों पंप 4009 इसमें क्या है, और ये सेम जो हमने MCC पैनल देखा था उसी MCC पैनल का नंबर है। और देखिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में क्या है, कंट्रोल सप्लाई ये 240 वोल्ट का है, और कौन सा वाला मॉड्यूल टीवी में आया है, मॉड्यूल टीवी में X2829 में आया है, और मॉड्यूल हेल्दी ये कहाँ पे आया है, X5, यानी जब भी हमारा मॉड्यूल हेल्दी रहेगा यानी मॉड्यूल का जो आइसोलेटर ऑन रहेगा कुछ भी ट्रिप वगैरह नहीं होगा तो मॉड्यूल से सप्लाई जाएगा, X5 से निकल के जाएगा। कहाँ जाएगा दोस्तों, टू LPB यानी लोकल पुश बटन, जो लोकल आइसोलेटर के पास रहता है लोकल पुश बटन वहाँ पे जाएगा। तो हमको ये चेक करना है मॉड्यूल हेल्दी का X5 पे आएगा उसके बाद लोकल पुश बटन की तरफ जाएगा। अगर लोकल पुश बटन वहां पे स्टॉपर दबा हुआ है या लोकल आइसोलेटर ऑफ है फिर ये बैक होके नहीं आएगा। बैक लोकल से जो सप्लाई आएगा बैक होके वो कहाँ पे लगा है, देखिए दोस्तों मॉड्यूल टीवी नंबर X6 में जो लोकल हेल्दी मैंने लिख दिया है, यानी अगर लोकल हेल्दी रहेगा यानी लोकल आइसोलेटर ऑन में है, लोकल पुश बटन कुछ भी दबा नहीं है, सभी हेल्दी है, तो वहां से रिटर्न होके आएगा हमारा जो मॉड्यूल टीवी X6 में आएगा। तो ये दोनों हमको चेक करना है, X5 एंड X6। X5 में अगर जा रहा है तो मॉड्यूल हेल्दी है, अगर नहीं जा रहा है तो हमको फिर मॉड्यूल से ही चेक करना है, हमको लोकल जाने की जरूरत नहीं। और अगर X6 में सप्लाई नहीं आ रहा है तो हमको समझ लेना चाहिए कि लोकल इज नॉट हेल्दी, लोकल में हमको चेक करना है। तो दोस्तों हमको क्या देखना है, X5 में देखना है कि यहाँ से सप्लाई जा रहा है कि नहीं, फिर हमको देखना है X6 में देखना है। ये पहले दोस्तों देख लेते हैं ये टेस्टर सही है कि नहीं। जैसे मैंने अभी लगा के देखा और टेस्टर ग्लो कर रहा था, इसका मतलब है कि टेस्टर हमारा सही है। और उसके बाद हम देखेंगे X5 को चेक करेंगे। तो X5 में 1, 2, 3, 4 और ऊपर वाला X5, ये देखिए दोस्तों टेस्टर जल रहा है, यानी ये मॉड्यूल इज हेल्दी, मॉड्यूल से सप्लाई हमारा लोकल की तरफ जा रहा है, लोकल पुश बटन की तरफ जा रहा है, इसीलिए टेस्टर ग्लो कर रहा है। हम यहाँ से कंफर्म हो गए कि मॉड्यूल इज हेल्दी। अभी हमको देखना है कि लोकल इज हेल्दी और लोकल इज ऑफ। तो X6 में लगा के देखते हैं क्या होता है। X6 में हमने लगा के देखा, देखिए टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा है, टेस्टर नहीं जल रहा है, इसका मतलब है कि दोस्तों लोकल से सप्लाई नहीं आ रहा है, लोकल हमारा लोकल आइसोलेटर ऑफ होगा, नहीं तो लोकल जो पुश बटन रहता है स्टॉपर दबा के रखा होगा कोई। तो हमको पता चल गया, देखिए कितना आसानी से हमको पता चल गया, हमको ड्राइंग की जरूरत नहीं पड़ा क्यों इसका रेडी टू स्टार्ट नहीं आ रहा है। और सेम उसी टाइप का आप देख सकते हैं इसका, जो मान लीजिए PLC में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, PLC में ट्रिप नहीं दिखा रहा है, रन नहीं दिखा रहा है, अगर फीडबैक का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग यहां से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन उसका दोस्तों जो वोल्टेज रहता है वो 24 वोल्ट DC रहता है। मैंने जो टीवी डिटेल्स बनाया था उसमें भी क्लियरली मैंने लिख दिया था कि इसका PLC सप्लाई, इनपुट सप्लाई 24 वोल्ट DC है। तो अगर आपको वो PLC वाला सप्लाई चेक करना है तो आप मल्टीमीटर लेके आइए, मल्टीमीटर से आप आसानी से यहाँ चेक कर सकते हैं, टीवी डिटेल्स देख के चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों और एक ड्राइव को देखते हैं जिसका रेडी टू स्टार्ट आ रहा है, उसका ये सेम टू सेम ड्राइंग होगा, उसको भी हम देख लेते हैं कि क्या इसका कंडीशन है। रेडी टू स्टार्ट दिखा रहा है तो उसका भी X6 में होगा, X5 में यहाँ से सप्लाई जाएगा और X6 में रिटर्न आना चाहिए, ये आ रहा है कि नहीं चलिए देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 में देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों सप्लाई यहाँ से जा रहा है यानी मॉड्यूल इज हेल्दी, और उधर से भी सप्लाई आ रहा है, लोकल पुश बटन से सप्लाई आ रहा है, इसलिए इसका रेडी टू स्टार्ट दिखा रहा है दोस्तों, इंडिकेशन जल रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो में आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके भी लिख सकते हैं। तो मेरे साथ अंत तक ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए बोल बुलबुल। नमस्कार।